वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7। एंड गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, आज की डेट है 26 नवंबर 2017। उसमें कौन से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए, जो मिले मुझे रिलायबल सोर्सेज से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते गाइज। गाइज, ये मेरे बारे में स्लाइड है। मेरा नाम सम्राट अशोक पदवाड़े है एंड ये यूट्यूब चैनल। सो गाइज, देखिए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शिवालिंगम सतीश कुमार कौन से खेल से रिलेटेड है? सो ये गाइज जो कि एक पैटर्न फिक्स है IBPS का, मेंस के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी पर्सनालिटी फेमस रही है 2-3 महीने में 6 महीने में, उनके बारे में आपको पूछा जाएगा, उनका स्पोर्ट कौन सा है या फिर उन्होंने क्या अचीवमेंट की। सो यहाँ पे पूछा गया है कि शिवालिंगम सतीश कुमार कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वेट लिफ्टिंग। उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट हमारे देश में या प्राइम मिनिस्टर आते हैं या फिर हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है वो जाते हैं दूसरे देश में, तो वो जो जिस देश का दौरा करते हैं या फिर जो देश के प्रधानमंत्री इधर आते हैं या राष्ट्रपति इधर आते हैं, तो उनके नाम हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है लास्ट 3-4 मंथ्स में जो भी हुआ है। सो यहाँ पे पूछा गया है पाओलो जेंटिलोनी, ये कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर है, जो कि इटाली के। उसके बाद जो क्वेश्चन है गाइस, G7 प्रेसिडेंसी समिट 2018 का कहाँ पे होगा, तो कनाडा में। और ये भी एक पैटर्न फिक्स है IBPS का, जिसमें पूछा आपको लॉन्ग फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता, एक आपको शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है स्विफ्ट, यहाँ पे दिया गया है, उसमें से यस का मीनिंग आपको पूछा है। पहले तो हम स्विफ्ट का पूरा लॉन्ग फॉर्म जो है फुल फॉर्म वो देख लेते हैं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, उसमें यस का होता है सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपको पूछा गया। फिर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड RV राहुल कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग से। बंधन बैंक जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, उसका टाइप आपको पूछा गया कि ये कौन सी बैंक है, तो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ठीक है। उसके बाद SEC का आपको फुल फॉर्म पूछा गया, तो स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। अब स्ट्रैटेजिक जीके पे आते हैं। पन्ना नेशनल पार्क पूछा गया कहाँ पे है, तो नेशनल पार्क आपको प्रिपेयर करने होते हैं, उससे रिलेटेड इक्वेशन है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद सिटी यूनियन बैंक, बैंक के हेडक्वार्टर्स और टैग लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है कुंभकोणम, जो कि तमिलनाडु में है। फिर से LTV का मीनिंग क्या है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड में, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सो लोन टू वैल्यू कहते हैं उसे। बाद में दुधवा डैम, जो कि स्ट्रैटेजिक जीके का क्वेश्चन है, कौन से नदी पे है, महानदी रिवर। अब जो सर्वेस प्रेजेंट पब्लिश होते हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रही है, उसमें किसने टॉप किया या फिर इंडिया की रैंकिंग उसमें क्या, इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। सो द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है, तो IMF, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। उसके बाद अंडर 17 फीफा कप, ये स्पोर्ट्स का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किसने जीता जो इंडिया में होस्ट हुआ था, तो इंग्लैंड, जो कि अभी इम्पोर्टेंट डेज पे हम आते हैं। 12 नवंबर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड न्यूमोनिया डे, किस लिए सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड न्यूमोनिया डे, तो इस दिन न्यूमोनिया के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड होती है। उसके बाद फुगड़ी, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, गाँव फोक डांस है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो गोवा। उसके बाद गाइज मनरेगा के लिए कितना अमाउंट दिया है बजट में, जो कि करंट बजट है 2017-18 का, सो 48,000 करोड़। उसके बाद एक आपको कंट्री और कैपिटल भी प्रिपेयर करना होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तलिन, ये कैपिटल सिटी है कौन सी कंट्री का, तो इस्टोनिया। कभी कंट्री दिया जाएगा कैपिटल पूछा जाएगा, कभी कैपिटल दिया जाएगा कंट्री पूछा जाएगा। फिर से एक सवाल आया ऑब्चुरी से रिलेटेड, ये करंट अफेयर का सवाल है। MV श्रीधर कौन से फील्ड से रिलेटेड थे, तो वो क्रिकेटर थे और जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच भी थे। जो पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज करने के लिए कमेटी फॉर्म हुई है, उसके हेड कौन है, तो अरुण जेटली, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी है और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी है। उसके बाद इंडिया ईयर बुक जो आता है हर साल, अभी 2017 का जो इसका ऑथर कौन है, तो राजीव मेहरिस जो सचिव है। एस ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक। द मीनिंग ऑफ यू इन अमृत, फिर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो यू का अर्बन होता है लेकिन फुल फॉर्म क्या है अमृत का, अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, अमिनिस्ट्री इंटरनेशनल का लंदन, जो कि UK में है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट कितना है, ₹1 लाख। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बुडापेस्ट हंगरी। ऐसे ही इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है ऑर्गेनाइजेशन से, उनके आपको हेडक्वार्टर्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो उस टाइप से ये स्टैटिक जीके का ही सवाल है।
रिकैपिटलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया में। 2050 तक वर्ल्ड जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है कौन सी कंट्री हो सकती है, तो चाइना यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया था। और नाबार्ड के लिए बजट में कितने रुपीस सैंक्शन हुए, तो 20,000 करोड़। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले थे जो आपके साथ मैंने शेयर किए। सो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।